यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। संभल में एक कार्यक्रम में पहुंचे डीपी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के लिए अच्छे काम किए हैं और वह देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। डीपी यादव ने कहा कि हाल ही में पेश हुआ बजट गरीबों और किसानों को सपोर्ट करने वाला है। मोदी जी ने कई काम बहुत अच्छा से किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम। अभी जो बजट आया वो भी मेरे विचार से किसान को गरीब को सपोर्ट करने वाला बजट है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तो अच्छाई की बड़ाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के मान सम्मान के साथ मोदी जी आगे लेकर के बढ़े हैं और आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन होना है। अखिलेश के आरोपों पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था, अब इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा। सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश के आरोपों पर जवाब देंगे आज सीएम योगी। अखिलेश यादव ने दरअसल जातीय जनगणना को लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा था, तमाम सवाल खड़े किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, अब इसको लेकर के आज सीएम योगी का संबोधन होने जा रहा है। सदन में आज क्या क्या होगा अब आप ये जान लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आज बोलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर 11 बजे उनका संबोधन होना है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अखिलेश यादव के सवालों का जवाब भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की है, इसका जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरफ से दिया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे विधानसभा में संबोधन होना है सीएम योगी का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आज बोलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी का बोलने का कार्यक्रम तो सदन में आज ये होने वाला है। अखिलेश यादव की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, इसका भी जवाब आज दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तमाम सवालों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। सदन में हंगामे भी लगातार देखे जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग उठाई, उस मुद्दे को उठाया, साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब उन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा सदन में। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुभव, सदन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है और राज्यपाल के भाषण पर चर्चा चल रही है सदन के भीतर। हमने देखा पहले लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव ने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे अगर हम कहें तो सवाल भी खड़े किए। अब आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और जिस तरीके से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तमाम सवाल सदन के भीतर खड़े किए, तो उन सारे सवालों का जवाब एक एक करके खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर आज दे सकते हैं। 11 बजे ठीक जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो राज्यपाल के भाषण पर ये धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आज की ये जो कार्यवाही है। और अगर कल की बात कर लें, ये कल पांचवा दिन था और कल देर रात 12:17 तक सदन की कार्यवाही चली, आप सोचिए। और 125 से ज़्यादा सदस्य जो थे वो मौजूद रहे और ज़्यादातर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया। यानी सब ने कुछ न कुछ, विपक्ष के लोगों ने उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से, जैसे लगातार आपने देखा जब भी कार्रवाई हो रही थी, एक आरोप जरूर विपक्ष लगा रहा था कि भाई सदन जो है वो कार्रवाई बहुत कम हो रही, सदन बहुत छोटा चलता है, ज़्यादा लंबा सत्र चलता नहीं है। इस बार आप देखिए क्या है, एक तो 10 मार्च तक का ये पूरा सत्र की का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया और सेशन बड़ी देर तक चल रहे हैं, रात रात तक चल रहे हैं। आज छठा दिन, आज मुख्यमंत्री जब सदन में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के तमाम आरोप हैं, तमाम सवाल हैं, उसका जवाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देंगे और कोशिश यही होगी कि किस तरीके से सरकार के जो काम है 6 साल के, उसे वो सदन के पटल पर रखेंगे। हाल ही में जो बजट आया है वो कैसे यूपी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, या हम कहें कि एक जो है वो प्रगतिशील बजट है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री बोलेंगे। हालांकि बजट पर जब चर्चा होगी तब उस पर अलग मुख्यमंत्री बोलेंगे, लेकिन आज जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वो बोलेंगे, तो चूंकि राज्यपाल ने
जिन जिन चीजों का जिक्र किया है, चाहे ग्लोबल विजिटर समिट हो, चाहे फिर वो G20 हो, चाहे फिर वो एजुकेशन की बात हो, मेडिकल हेल्थ की बात हो, इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री बोलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, दो दिन पहले जो सवाल अखिलेश यादव ने सदन में खड़े किए, उन सारे सवालों का जवाब सदन में ही मुख्यमंत्री की ओर से आ सकता है। बिल्कुल अनुभव, यानी आज का दिन बेहद अहम, सदन की कार्यवाही आज की बेहद अहम। बहुत ही शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुस्लिम समाज को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा अब पूरी तैयारी के साथ काम में जुट गया है। इसी के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, यूपी अध्यक्ष कुंवर बासित अली समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंचे और सूफी विचारधारा से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। देश भर में भाजपा के सूफी संवाद अभियान के तहत इन नेताओं ने मुरादाबाद में दो जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सूफी विचारधारा के समर्थक रहे हैं और भाजपा हमेशा से सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भाजपा का सूफी संवाद अभियान अब देखा जा रहा है, सूफी विचारधारा से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का यह बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूफी विचारधारा के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री जी की हमेशा कोशिश रही है, प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो सूफिज़म पर काम करते थे, सूफी लोगों से दोस्ती रखते थे, वो जाते थे, मिलते थे, दरगाहों पर जाते थे और वो जो है हमेशा सूफिज़म पर विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमेशा चिंता की, जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस करवाया था और हमेशा वो कहते हैं कि देश में अगर अमन चारा भाईचारे को मजबूत करना है और देश जो विश्व लीडर बन रहा है उसमें जो हमारी सूफिज़म है ये दुनिया को नेतृत्व दे सकती है, दुनिया को विचारधारा दे सकती है, इसलिए सूफिज़म पर काम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके आदेश पर सूफी विचारधारा के लोगों को देश भर में जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई है, सूफी संवाद महाअभियान हम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय और पथ अंत्योदय, और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का एक तरीका है और गरीब कल्याण के साथ साथ मोदी जी लगातार गरीबों के लिए योजनाएँ ला रहे हैं और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आज सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भाजपा है। इसमें जो सूफी विचारधारा है वो उसको बढ़ाने का काम, उसको और ताकत देने का काम करेगी। मैसेज तो जो है वो कार्यकर्ताओं में है, भारत विचार मंच के जो वॉलंटियर हैं उन्हें हम अमन के सिपाही का नाम देते हैं, तो अमन के सिपाही आज इकट्ठा होने जा रहे हैं क्योंकि जब देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती हैं कुछ ताकतें तो उसमें अजीब तरीके के माहौल पैदा होते हैं। कोई मुसलमानों में खौफ पैदा किया जाता है, बहुसंख्यक समाज के बीच में एक ऐसा सोसा छोड़ा जाता है कि वो भी नाराज़गी जाहिर करे या उग्र हो जाए, तो ऐसी घटनाओं के जो परिणाम होते हैं, दुर्गामी परिणाम होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। तो 1977 में आदरणीय आरिफ बेग साहब ने ये मिशन शुरू किया, हमारा नारा भाईचारा मिशन। और इस खबर पर उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से बीजेपी अब लोकसभा चुनावों को लेकर माना जो तैयारी में जुड़ चुकी है, अब देखा जा रहा है मुस्लिम समाज को साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुड़ गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुरादाबाद में जिस तरह से भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उन्होंने सूफी समाज के लोगों से मुलाकात की है, तो उनका कहना यही है कि जो भारत की संस्कृति है उसमें जो अध्यात्म है, जो सूफिज्म है, ये पूरे देश को जोड़ता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनता है और जो हिंसावादी लोग हैं उनसे इसमें जो है वो सौहार्द बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उसको रोका जा सकता है सूफिज्म के तहत। इन लोगों का कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सूफिज्म के लोगों से हमेशा से मिलते रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो सूफी समाज के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि देश के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब और जो अमन का माहौल है वो पैदा किया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो भारतीय जनता पार्टी को, जो ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बीच जा रहे हैं, उनके बीच जब संवाद होगा तो मुस्लिम वोट जो है काफ़ी बड़ा मुस्लिम वोट है, उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। ऐसे में अगर सूफी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है तो इससे दो फायदे होंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साख अच्छी होगी और दूसरी स्थानीय स्तर पर जो ये परेज माना जाता है कि मुस्लिम वोटों का दुर्वीकरण होता है वो बीजेपी कामयाब हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।